जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका। सभी लोग लाइव आ गए तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इससे पहले सभी लोग जो भी नए स्टूडेंट हैं सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली इन्फॉर्मेशन आप तक मिले। और दोस्तों, सभी को पता है कि निरंतर ये हिंदी की टेस्ट सीरीज चल रही है, रोज क्लास होती है हमारी 9:30 बजे, ठीक है, सुबह 9:30 बजे। सभी को पता है, सभी लोग जुड़ते रहें, अपने मित्रों तक जोड़ते रहें। और इसी तरह से PDF अगर आप चाहते हैं नोट्स आपको प्राप्त हो, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाना है, वहां सर्च करना है टेलीग्राम ऐप में IAS स्टडी ट्रैक, और वहां पर आप ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं बिना विलंब की आज का ये वीडियो। हमारा जो पहला प्रश्न होगा दोस्तों, महात्मा में कौन सा समास है। समास हम निरंतर पढ़ रहे हैं दोस्तों, समास जल्दी से बताएं कौन सा समास होगा महात्मा में। सभी लोगों ने कमेंट में लिख लिया जी, तो उसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर एक, कर्मधारय समास। महान है जो आत्मा, महात्मा में कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है पर्यावरण का संधि विच्छेद। जल्दी से पर्यावरण का संधि विच्छेद आपको बताना है, तो क्या होगा विकल्प नंबर दो, परिधन आवरण इसका सही हो जाएगा। पर्यावरण का कई बार पूछा गया पर्यावरण का संधि विच्छेद। अर्थ का विलोम शब्द है, ये बहुत ही कठिन होता है, थोड़ा सा आपको बताएं कि अर्थ का विलोम शब्द बताना है जल्दी से, थोड़ा सा टाइम भी आपको दे देते हैं। अर्थ का थोड़ा सा कठिन हो जाता है इस प्रकार के जो विलोम होते हैं। उत्तर होगा इसका इति, अर्थ का विलोम शब्द होगा इति। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है। घोष वर्ण आपको बताना है जल्दी से, लेकिन घोष वर्ण कौन सा घोष वर्ण है। घोष, सघोष, अघोष, ये सभी आपने पढ़े हैं, तो घोष वर्ण कौन सा हो जाएगा विकल्प नंबर दो, जो है माँ जो है घोष वर्ण हो जाएगा। अब घोष और अघोष है ना, सघोष अघोष पढ़े होंगे आपने, तो घोष वर्ण जो होता है वो माँ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं, जल्दी से कमेंट में आपको लिखना है। अलंकार आपने पढ़े होंगे, शब्द अलंकार, अर्थालंकार, ये सभी अलंकार आपने पढ़े हैं। अलंकार का मैंने ट्रिकी वीडियो भी बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं। अर्थालंकार के कितने भेद हैं, तो जल्दी से बताएं कितने भेद हैं। विकल्प नंबर एक इसका सही हो जाएगा वारा। अर्थालंकार के कितने भेद हैं, तो 12 भेद हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है। भाववाचक संज्ञा आपको बताना है, जल्दी से लिखें कमेंट में भाववाचक संज्ञा कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा बचपन। जो अवस्थाएं होती हैं वो भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं, तो बचपन अवस्था है ये भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगी। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। ऐसे क्वेश्चन भी बनते हैं द्वित्व व्यंजन, द्वित्व व्यंजन आपको बताना है कौन सा है, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर एक, दिल्ली। दिल्ली में जो है द्वित्व व्यंजन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है भाषा संस्कृत की किस धातु से बना है। ये अभी MPTET में क्वेश्चन पूछा गया था, और यहाँ पर जो है आंसर शीट में इसकी जो आंसर है वो गलत दे दिया था। जिसने भी दिया है MPTET का उसको पता होगा उत्तर इसका सही है, लेकिन विकल्प नंबर दो, भास, भाषा संस्कृत की भास धातु से बना है, ठीक है। इनमें से रस का कौन सा भेद है, रस का भेद कौन सा है, तो रस का भेद बताना है। चार विकल्प है, अगर आपने रस पढ़े हैं तो उत्तर तो आपने जल्दी से लिख लिया होगा करुण। करुण जो है रस का भेद है, रूपक उल्लेख या अलंकार के भेद हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, जल्दी से लिखें कमेंट में जंगल में लगने वाली आग को। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर एक, दावानल। जंगल में लगने वाली आग को दावानल कहते हैं। शिव का विशेषण क्या होगा, जल्दी से शिव का विशेषण कई बार पूछा गया, शिव का विशेषण क्या होगा, जल्दी से जल्दी जल्दी देखें कमेंट में, शिव, शिव का विशेषण होगा शिव, ठीक है। नेक्स्ट है हे का विलोम शब्द बताइए। हे का विलोम शब्द आपको बताना है क्या होगा, हे का विलोम शब्द, तो इसका सही उत्तर होगा ग्राहा। हे का जो विलोम शब्द होगा वो ग्राहा होगा। इस प्रकार से कुछ कठिन विलोमों का भी इसमें समावेश है। इनमें से कौन सा शब्द अशुद्ध है, अशुद्ध शब्द बताना है। चार विकल्प भी आपके सामने मौजूद हैं, अशुद्ध शब्द का चयन करना है। उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर एक, पुण्य। पुण्य लिखा जाता है जबकि यहाँ पर पुण्य लिखा है, विकल्प नंबर एक इसका सही हो जाएगा। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन सा है, अल्प प्राण महाप्राण पूछे जाते हैं, कौन सा है अल्प प्राण, विकल्प नंबर तीन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अल्प प्राण वर्ण है कौन से, का और का, ठीक है। नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट है अवनी का विलोम शब्द, जल्दी से लिखें अवनी का विलोम शब्द क्या होगा, तो अवनी का जो विलोम शब्द होगा दोस्तों वो होगा अंबर। अवनी का विलोम होगा अंबर, विकल्प नंबर तीन।
नेक्स्ट है, इनमें से नासिक के व्यंजन कौन सा है? नासिक के व्यंजन बताना है, सभी लोग कमेंट में लिखें नासिक के व्यंजन। उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, ड़ा। वर्ग का जो पंचम अक्षर होते हैं वर्ग के, वो नासिक के व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? प्रत्यय उपसर्ग भी आपने अच्छे से पढ़े हैं, जल्दी से बताएं प्रयुक्त प्रत्यय है सावधानी में। उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर 1, ई। सावधान धन ई बराबर सावधानी, मतलब एक सही है इसका। नेक्स्ट है, जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जल्दी से लिखें कमेंट में, जो कहा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा दोस्तों? अकथनीय। अकथनीय है, और अकथनीय में उपसर्ग का भी प्रयोग हुआ है और प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ है, ये चीज भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? मूर्धन्य व्यंजन आपने कंठ व्यंजन, तालब, ये सभी के सभी पढ़े होंगे, मूर्धन्य व्यंजन यहाँ पर बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा डा, ढा, ये मूर्धन्य व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इनको अच्छे से पढ़े, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने वीडियो भी डाला एक पूरा टेस्ट बनने वाला का। अवनत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? अवनत में जल्दी देखें, अवनत में प्रयुक्त शब्द उपसर्ग बताना है कौन सा है? औ, विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा औ। दोस्तों, अगर आप MPPSC और व्यापम से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी ऐप आप इंस्टॉल कर सकते हैं, नीचे दी डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ठीक है, उससे आप अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके लिए बहुत सारे फायदे हैं, देख लेते हैं कौन कौन से फायदे। जब आप अनअकैडमी ऐप है दोस्तों क्या करते हैं, इंस्टॉल करते हैं यहाँ से, तो यहाँ पर आपको अनअकैडमी ऐप में लॉग ऑन करना है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आपको ईमेल और फोन के माध्यम से दोस्तों, आपको जब इस ऐप में आप पहुंच जाएंगे तो आप अपना गोल, यानी कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, MPPSC व्यापम, आप यहां पर चयन करेंगे, जहां पर आपको फ्री लाइव क्लासेस भी उपलब्ध होती हैं। और साथियों बात करें कि यहां पर फ्री लाइव क्लास और डेमो क्लास भी आपके लिए उपलब्ध है, तो इन क्लासों को भी आप देख सकते हैं, आपके डाउट भी यहाँ पर क्लियर किए जाते हैं। साथ ही यहाँ पर आपको लाइव क्लास भी मिलती है, फ्री लाइव क्लास में दोस्तों आपको ऑनलाइन लाइव क्लास मिलेगी, साथ ही आपके लिए टेस्ट भी मिलेगा, और टेस्ट में आपका स्कोर कार्ड भी बताया जाएगा, है ना। और साथ ही दोस्तों आपका पूरा पेपर का एनालिसिस भी किया जाएगा और आपके डाउट भी क्लियर यहां पर किए जाएंगे, ठीक है। अब बात करें दोस्तों यहां की कि जो भी आप टेस्ट देते हैं उस टेस्ट से संबंधी अगर कोई आपको डाउट लगता है तो आप टॉप एजुकेटर के द्वारा दोस्तों चैट कर सकते हैं और डाउट का सॉल्यूशन पा सकते हैं। साथ ही यहां पर आपको दोस्तों PDF भी मिलेंगी, आपको PDF भी डाउनलोड करेंगे, और ये बिल्कुल PDF बिल्कुल फ्री में मिलेंगी आपको, ठीक है। तो आपको ऐप को क्या करना है, इंस्टॉल करना है। और दोस्तों यहां पर अगर बात करें तो यहां पर जो भी आप टेस्ट देते हैं, जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं इसका दोस्तों स्कोर कार्ड आपके सामने मिलेगा कि आपको कितने नंबर इसमें प्राप्त हुए हैं। और उस नंबर पर दोस्तों आपको कोई डाउट लगता है तो इसमें लाइव क्लास के माध्यम से आपका क्या किया जाएगा, एनालिसिस किया जाएगा कि किस प्रकार से आपने प्रश्न का जवाब दिया था, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना। और मॉक टेस्ट भी यहाँ पर आपको फ्री में है, कितने सारे, बहुत सारे, MPPSC, पुलिस, जेल, प्रहरी, सभी के लिए मॉक टेस्ट फ्री में भी उपलब्ध हैं, MPSI एग्जाम के लिए। दोस्तों अब बात करते हैं फ्री क्लास और प्लस क्लास। प्लस क्लास यानी कि इसमें सब्सक्रिप्शन आपको लेना पड़ता है, ठीक है। तो कुछ फ्री क्लासें आपको मिलती हैं अनअकैडमी ऐप में, तो कुछ क्लासों के आपके पैसे भी लगते हैं, ठीक है। तो इसमें देखें कैसे कैसे होता है दोस्तों। अगर इसमें बात करें कि जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो फ्री क्लास में आपको लिमिटेड आपका सिलेबस कवर किया जाएगा, साथ ही दोस्तों आपको जो टेस्ट हैं वो लिमिटेड टेस्ट मिलेंगे, है ना। और अगर प्लस क्लास की बात करें तो यहां पर आपका सिलेबस कंप्लीट कवर किया जाएगा और अनलिमिटेड प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे और अनलिमिटेड यहां पर आपको PDF और नोट्स भी मिलेंगे, साथ ही ऑल डाउट सॉल्व किए जाएंगे आपको टॉप एजुकेटर के द्वारा, ठीक है। और यहां पर आपको लिमिटेड नोट्स मिलेंगे और लिमिटेड आपको डाउट सॉल्यूशन भी मिलेंगे, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अगला है, जिसकी गर्दन सुंदर है उसे क्या कहेंगे? एक बात में उत्तर आपको बताना है, जल्दी से फटाफट लिखें कमेंट में। जी लिख रहे हैं सभी, जिसकी गर्दन सुंदर है। उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर 1, सुग्रीव। जिसकी गर्दन सुंदर है उसे सुग्रीव बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द बताओ। चार विकल्प में से जल्दी जल्दी लिखें कमेंट में, 1, 2, 3, 4 ऐसे इस प्रकार से लिखते जाना है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो इसका सही उत्तर होगा रत्नगर्भा। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है रत्नगर्भा, विकल्प नंबर 1 इसका सही होगा।
नेक्स्ट है अमीय का पर्यायवाची शब्द बताओ। अमीय, जल्दी से चार विकल्प हैं, तो अमीय का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा, देखो कमेंट में, उत्तर हो जाएगा इसका सुधा। अमीय का पर्यायवाची शब्द होता है सुधा। नेक्स्ट जो प्रश्न है, घा का उच्चारण स्थान क्या है? घा का उच्चारण स्थान है क्या है? घा का उत्तर हो जाएगा कंठ, है ना। कंठ ताला बेसबी के सभी व्यंजन आपको पढ़ने हैं, तो उत्तर होगा गमन का विलोम क्या होगा। जल्दी से लिखें, गमन का सभी पे बनेगा, कमेंट में सभी लोग लिखेंगे गमन का विलोम, तो क्या होगा विकल्प नंबर एक जो है वो इसका सही हो जाएगा, गमन का आगमन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो क्या होगा, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति। कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहते हैं? एक वाक्य में आपको उत्तर बताना है। चार विकल्प भी आपके सामने मौजूद हैं, तो आपको एक दो तीन चार करके उत्तर आपको बताना है, सिलेक्ट करना है। तो इसका सही जो उत्तर हो जाएगा, कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति नवीनीकरण क्या कहलाती है? नवीनीकरण कहलाती है। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको बताना है, जल्दी से लिखें शुद्ध वर्तनी। तो चार विकल्प में से जल्दी से जल्दी 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 लिखें कमेंट में फटाफट जी, लिखते जाएं। तो उत्तर हो जाएगा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? सुसुप्ति। कौन सा है? सुसुप्ति, विकल्प नंबर चार सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, अकल का पुतला का अर्थ होगा, अकल का पुतला। तो चार विकल्प में से जल्दी से लिखें, इस प्रकार के मुहावरे भी पूछे जाते हैं, अर्थ भी पूछे जाते हैं। अकल का पुतला का जो अर्थ होगा वो हो जाएगा क्या होगा, जल्दी से कमेंट में लिखते जाएं। अकल का पुतला, विकल्प नंबर एक इसका सही हो जाएगा, अकल का पुतला, बहुत बुद्धिमान। ठीक है, अगला क्वेश्चन मित्रों आपको बताना है, अंडे का सहजादा का अर्थ क्या है? अंडे का सहजादा अर्थ क्या हो जाएगा, सभी ने लिख लिया कमेंट में, उत्तर होगा अनुभवहीन व्यक्ति। अंडे का सहजादा मतलब अनुभवहीन व्यक्ति। ये मुहावरे पूछे जाते हैं कई बार, हम सोचते हैं कि सरल होते हैं लेकिन कई बार गलत भी हो जाते हैं। तीन बेर काती थी वे तीन बेर खाती हैं, मैं अलंकार बताना है आपको। बिजन ने डुलाती थी वे बिजन न डुलाती है, इस प्रकार से पूरा है। और अलंकार आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है, सभी लोग बताएं। बेर बेर शब्द जो आ रहा है वो कितने बार आ रहा है? दो बार आ रहा है, और दोनों बार उसका अर्थ कैसा है? अलग है, तो यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, विकल्प नंबर दो सही होगा। नेक्स्ट है, संस्कृति के चार अध्याय किसकी रचना है? जल्दी से लिखें कमेंट में। ऐसे ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है, सॉरी इसे नहीं मिला, उर्वशी के लिए मिला है, रामदासी दिनकर की ये रचना है, संस्कृति के चार अध्याय, और इनकी उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, संस्कृति के चार अध्याय के लिए नहीं मिला, तो रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट जो प्रश्न होगा, जातिवाचक संज्ञा बताइए। जातिवाचक संज्ञा बताना है कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर, कमेंट में हाँ लिखते जाए कमेंट में, जातिवाचक संज्ञा एक लड़का। जातिवाचक संज्ञा लड़का में जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, कन्यादान में कौन सा समास है? जल्दी से लिखें कन्यादान, सभी लोग कन्यादान कर रहे हैं कि नहीं? कौन सा समास है? कन्या का दान, मतलब कौन सा हो जाएगा? तत्पुरुष समास, कन्या का दान। ठीक है, नेक्स्ट देखें, डोरी डालने का अर्थ है, तो डोरी डालने का अर्थ क्या हो जाएगा? तो डोरी डालने का जो अर्थ होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा प्रेम में फंसाना। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, प्रेम में फंसाना डोरे डालने का अर्थ होगा, वो होगा बाच्य कहलाते हैं। बाच्य क्या कहलाते हैं? जल्दी से आपको कमेंट के माध्यम से बताना है, चार विकल्प भी आपके सामने मौजूद हैं, जल्दी से लिखें कमेंट में। इसका सही उत्तर हो जाएगा बाच्य कहलाते हैं क्रिया के विधान, क्रिया के विधान कहलाते हैं बाच्य। ठीक है, विकल्प नंबर दो इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बाच्य के कितने भेद हैं? जल्दी से लिखें, ये प्रकार के बाच्य प्रकार के जो भी क्वेश्चन है भी कई बार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो वाच्य जो होते हैं दोस्तों वो तीन प्रकार के होते हैं। अगला जो विकल्प नंबर तीन है वो सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट प्रश्न है, वाच्य के भेद कौन कौन से हैं? अब भेद कौन से हैं, तो जल्दी से लिखें विकल्प नंबर इसका सही कौन सा हो जाएगा। आपको कमेंट के माध्यम से एक दो तीन करके ऐसे आपको उत्तर लिखना है, तो जल्दी से लिखें फटाक से। उत्तर इसका सही होगा विकल्प नंबर तीन, कर्तृवाच, कर्मवाच और भाववाच। ठीक है, ये तीन प्रकार के क्या हो जाएंगे,
यहाँ पर लिख गया है क्या, भाव। यहाँ पर भाववाच्य है, तो याद रख लेना भाववाच्य ये तीन प्रकार के क्या होते हैं, वाच्य होते हैं, इनको याद रखो। यहाँ से क्वेश्चन एक दो जरूर बनते हैं, ठीक है। अगला जो हमारा प्रश्न होगा कर्तृवाच्य कहलाता है। अब कर्तृवाच्य की हमें परिभाषा बताना है, क्या कहलाता है, चार विकल्प में से। जल्दी से लेकर कमेंट में आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा आपको टाइम भी दिया जाता है। क्वेश्चन के विकल्प जो है वो बड़े हैं, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, आपने लिख दिया कमेंट में, उत्तर होगा विकल्प नंबर कौन सा, तीन, जहां क्रिया का प्रयोग वाक्य में कर्ता के लिंगवा वचन के अनुसार किया जाता है, वहां पर कर्तृवाच्य होता है, ठीक है। विकल्प नंबर अगला क्वेश्चन, हमसे किताब पढ़ी जाती है, इसमें वाच्य है। अब इसमें हमें वाच्य बताना है कि हमसे किताब पढ़ी जाती है, तो कौन सा वाच्य है, जल्दी से लिखें कमेंट में। आपने वाच्य पढ़े होंगे, उत्तर हो जाएगा इसका कर्म वाच्य है ना, इसमें कर्म प्रधान होता है, कर्म वाच्य। भाववाच्य में प्रधान होता है, क्या होता है भाववाच्य में, सभी को पता है भाववाच्य में क्या होता है, भाव प्रधान होते हैं, ठीक है। विकल्प नंबर तीन इसका सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो क्या है, वो है अमन नहीं चलता है, इसका भाव वाच्य रूप क्या होगा, अमन नहीं चलता है भाववाच्य रूप बनाना है। इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, अमन नहीं चलता, जल्दी से बनाए जो भी देख रहे हैं, उत्तर लिखे फटाफट। उत्तर इसका सही हो जाएगा, क्या होगा, अमन से चला नहीं जाता, ये इसका भाव वाच्य बन जाएगा। दोस्तों वाच्य जरूर पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, तो इसका उत्तर एक सही होगा, विकल्प नंबर। कर्म वाच्य का उदाहरण है, कर्म वाच्य का उदाहरण हमें यहाँ पर बताना है, कौन सा है कर्म वाच्य का, तो जल्दी से लिखें। कर्म वाच्य का जो उदाहरण है वो है दोस्तों विकल्प नंबर एक, उससे पत्र लिखा जाता है, तो ये कर्म वाच्य का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आंख शब्द का तत्सम क्या होगा, आंख शब्द का आपको तत्सम बताना है, जल्दी से लिखें आंख शब्द का तत्सम। इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या होगा, आंख का हो जाएगा अक्षी, अक्षी विकल्प नंबर एक सही हो जाएगा, आंख का तत्सम होगा। अंगुली का तद्भव रूप हमें लिखना है, अंगुली, अंगुली का तद्भव क्या होगा, तो इसका सही उत्तर होगा उंगली, अंगुली का तद्भव होगा उंगली, ठीक है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है पवर्ग का व्यंजन है, पवर्ग का जो है व्यंजन कौन सा है, जल्दी से आपने पढ़े होंगे कचट तप है ना, कचट तप पवर्ग का बताना है, तो कौन सा है, जल्दी। यहां पर दोस्तों आपको क्वेश्चन को सुधारना है, यहां पर गलत हो गया है, पवर्ग का व्यंजन यहां पर क्या दे रहा था, है, अभी हमने है पढ़ा था, लेकिन यहां पर जो सही है वो नहीं है, पवर्ग का व्यंजन नहीं है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है, ना, ना नहीं है, बाकी पावर्ग के भावी है, बाबी है, मावी है, तो ये पावर्ग के व्यंजन है, ना जो है वो पावर्ग का व्यंजन नहीं है, यहाँ पर सुधार लेना, इस प्रकार से क्वेश्चन होगा, ठीक है। अगला हमारा क्वेश्चन है किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, उपसर्ग का प्रयोग हुआ है किस शब्द में हुआ है, जल्दी से बताएं, चार विकल्प में आपको दिख रहा होगा किस में हुआ है, तो उत्तर हो जाएगा उपकार, उपकार में जो है उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अर्धविराम है, जल्दी से चार विकल्प हैं, जल्दी से फटाफट लिखें, अल्पविराम, अर्धविराम सभी लोग जानते होंगे, पूर्णविराम कौन सा है, जल्दी से फटाफट लिखते जाएं, कमेंट में लिखते जाएं। उत्तर सही होगा इसका विकल्प नंबर चार, ये है अर्धविराम, विकल्प नंबर चार वाला, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है निम्न में से विराम चिन्ह नहीं है, अब विराम चिन्ह नहीं है तो कौन सा नहीं है, अल्पविराम हमने पढ़ा है, पूर्णविराम कौन सा नहीं है, तो विकल्प नंबर एक इसका सही होगा, अवतरण जो है विराम चिन्ह नहीं, विराम चिन्ह के अंतर्गत नहीं आते, ठीक है। नेक्स्ट वाक्य के घटक होते हैं, तो वाक्य के घटक कौन कौन से होते हैं, जल्दी से लिखे कमेंट में, टेस्ट थोड़ा सा कठिन जरूर है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, वाक्य के घटक कौन कौन से हैं, आपने कमेंट में लिख लिया है, लिख लिया है तो उत्तर देखते हैं इसका, उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर एक, उद्देश्य और विधेय वाक्य के घटक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी जनजाति, कौन सी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाया गया है, ठीक है। अब जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा कैसे बनाया गया है, तो सभी ने देख लिया, आपने संज्ञा पढ़ी होगी, उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर दो, बुढ़ापा, बूढ़ा जो हो जाएगा वो जातिवाचक संज्ञा होगी, लेकिन बूढ़ा से बुढ़ापा बना, ये भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। अगला प्रश्न है चिरायु में प्रयुक्त उपसर्ग है,
उपसर्ग बताना है ना कि प्रत्यय। कंफ्यूज नहीं होना, चिरायु में कौन सा है? उत्तर सही होगा इसका चिर, विकल्प नंबर 4 इसका सही होगा, चिर जो है उपसर्ग है चिरायु में। अगला प्रश्न है, बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? जल्दी से लेके कमेंट में बहुत पढ़े हैं आपने उपसर्ग प्रत्यय, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या होगा, विकल्प नंबर 1 बे। बेइंसाफी में जो उपसर्ग होगा वो बे होगा। अभी तक हमने बाच पढ़ लिए, तद्भव तत्सम के भी क्वेश्चन आए, उपसर्ग प्रत्यय के भी आए हैं, पुरोहित में उपसर्ग बताना है, हमें जल्दी से बताएं पुरोहित। 4 विकल्प में से सभी लोग बता रहे हैं उत्तर, कमेंट में लिखते जाएं जल्दी से, 1, 2, 3, 4 ऐसे लिखें, ठीक है। पुरोहित में उपसर्ग है कौन सा उपसर्ग है? उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर 2 पुरह। पुरह जो है ये पुरोहित में उपसर्ग हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से तत्सम शब्द का चयन करना है, जल्दी से लिखें तत्सम शब्द का चयन, तो इसका सही उत्तर आपने लिख लिया। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द हमेशा पूछे जाते हैं, बाच पूछे जाते हैं, उपसर्ग प्रत्यय तो पूछे ही जाते हैं। उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 वर्षा, जो है तत्सम शब्द हो जाएगा। अच्छे से देखने वर्षा कैसा लिखा है, राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य कौन सा होगा? जल्दी से लिखें कमेंट में, यहाँ पर संयुक्त वाक्य भी आ गए, तो कौन सा होगा? इसका सही जो उत्तर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर 3 राम घर गया और माँ को देखा। अब सरल संयुक्त मिश्र, इस प्रकार से जो वाक्य हैं, तो ये वाक्य हैं रचना के आधार पर, इन सभी को आपको अच्छे से पढ़ना है, ये हमेशा पूछे जाते हैं। विरोध करना के लिए सही मुहावरा है, जल्दी से लिखें विरोध करना, ये सही मुहावरा कौन सा हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 3 सिर उठाना। विरोध करना का जो सही मुहावरा होगा वो सिर उठाना होगा। इनमें से कौन सा शब्द समूह वाचक प्रत्यय नहीं है? अब समूह वाचक प्रत्यय आपको बताना है कौन सा नहीं है, जल्दी से लिखें कमेंट में, एक क्वेश्चन पूछा भी गया है कई बार। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 1 प्रेस जो है वो समूह वाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आता। नेक्स्ट है, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा, निम्न मिश्र वाक्यों में से कौन सा विशेषण उपवाक्य है? तो जल्दी से विशेषण उपवाक्य है तो कौन सा है, जल्दी से लिखें। 35 क्वेश्चन में से अगर आपके 30 बन गए, मतलब बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 4 लखनऊ जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, ऐतिहासिक नगर है, ये विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत आएगा विकल्प नंबर 4, ठीक है। नेक्स्ट है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य है, कैसा वाक्य है? जल्दी से लिखें, सरल क्वेश्चन है, सभी से बन जाएगा, उत्तर सभी लोग कमेंट में लिखते जाएं। उत्तर हो जाएगा इसका विकल्प नंबर 4 मिश्र वाक्य, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा, ये कैसा है, मिश्र वाक्य है। नेक्स्ट है, पवित्र में कौन सी संधि है? जल्दी से लिखें, संधि समास आपने पढ़े होंगे, पवित्र में संधि बताना है, तो इसका सही जो उत्तर होगा वो हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर 1 अयादि संधि है पवित्र में, ठीक है। कौन सी संधि है? अयादि संधि। अगला जो हमें हमारा प्रश्न है वो क्या है, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? अपादान कारक, आपको कारक भी हम पढ़ ले रहे हैं इस वीडियो में, अपादान कारक की विभक्ति हमें बताना है, विकल्प नंबर 3 इसका सही होगा से। अपादान कारक की जो विभक्ति है वो से, ठीक है। नेक्स्ट है, पाठशाला किस प्रकार का जो है शब्द है, आपको बताना है किस प्रकार का शब्द है पाठशाला, योगिक है कि योग रूढ़ है, किस प्रकार का है? 4 विकल्प में से कमेंट में लिखते जाए फटाफट। उत्तर इसका सही होगा दोस्तों योगिक, पाठशाला किस प्रकार का शब्द है, तो योगिक है, विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा, ठीक है। योगिक, योग रूढ़ और रूढ़ शब्द आपको जरूर पढ़ने हैं, आपके नहीं पढ़े तो, अरे उसने कमाल कर दिया वाक्य है, कैसा वाक्य है, जल्दी से लिखें। अर्थ के आधार पर जो वाक्य होते हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, रचना के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं। अब यहाँ पर हमें बताना है तो ये विस्मय बोधक वाक्य होगा, अरे उसने कमाल कर दिया, ये विस्मय बोधक वाक्य के अंतर्गत आ जाएगा। निम्न वाक्य में संयुक्त वाक्य कौन सा है, जल्दी से लिखें, 4 विकल्प में से 1 का चयन करना है, संयुक्त वाक्य आपको बताना है। संयुक्त वाक्य की पहचान अगर नहीं बनती है आपसे तो कमेंट में लिखें, हम वीडियो जरूर बनाएंगे आपको संयुक्त मित्र कैसे पहचाने, ट्रिक के माध्यम से, कुछ वाचक चिन्हों के माध्यम से आपको। तो इसका विकल्प नंबर हो जाएगा विकल्प नंबर 4, उसने खाना खाया और सो गया, ये संयुक्त वाक्य है। जल्दी से, भूतकाल के कितने भेद हैं, कमेंट में लिखें, भूतकाल के कितने भेद हैं, तो भूतकाल के भेद भी पूछे जाते हैं, कितने होते हैं, 6 होते हैं भूतकाल के भेद, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन भी बनता है कि कौन से में पूर्ण भूतकाल है, कौन में अपूर्ण भूतकाल है,
ऐसे क्वेश्चन भी बन रहे हैं आजकल पैटर्न में। यथार्थ में कौन सी संधि है जल्दी से बताएं, यथार्थ यथार्थ में संधि बतानी है, कमेंट में लिखें फटाफट। उत्तर इसका सही हो जाएगा विकल्प नंबर एक, दीर्घ संधि है, यथार्थ में संधि है दीर्घ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है निर्वाह में, जल्दी से लिखें निर्वाह। निर्वाह में उपसर्ग हमें बताना है, इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर तीन, निर। निर में निर्वाह में निर उपसर्ग होगा, ठीक है। स्पर्श व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट में लिखें स्पर्श व्यंजन, सभी ने पढ़े होंगे स्पर्श व्यंजन, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर दो, 25, है ना, आपने पढ़े होंगे ना, का कवर्ग चवर्ग टावर्ग, है ना, तावर्ग और पावर्ग, ये स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं और पूरे में पांच पांच जो है अक्षर होते हैं, पर्ण होते हैं, तो स्पर्श व्यंजन कितने हैं, 25 हैं। आपको याद करना है, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, चार विकल्प हैं, शुद्ध वर्तनी का भी आपको चयन करना है, तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर चार हो जाएगा, कृपा, शुद्ध वर्तनी है कृपा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है में से कौन सा शब्द तत्सम है, आपको तत्सम शब्द बताना है, चार विकल्प यहाँ पर मौजूद है, जल्दी से बताएं, तो कमेंट में सभी लोग लिखते जाएं। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों सदा, विकल्प नंबर तीन जो है वो इसका सही होगा सदा। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है गुण के विरुद्ध नाम हो तो कौन सी जो लोकोक्ति है उसका प्रयोग होता है ना, जल्दी से कमेंट में लिखें, चार विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, आपको कमेंट में लिखना है विकल्प नंबर एक दो तीन चार, इस प्रकार से आप लिखते जाएं फटाफट। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करते जाएं, और इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर चार, आंख का अंधा नाम नैनसुख, ये सही हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अव्ययी भाव समास का उदाहरण चुनना है, आपने समास पढ़े होंगे, समास का वीडियो भी मैंने डाला है अव्ययी भाव समास का, जल्दी से कमेंट में लिखते जाएं, सभी लोग सब्सक्राइब भी करते जाएं जो भी नए हैं, तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर चार निस्संदेह, क्या होगा निस्संदेह इसका सही हो जाएगा, इसमें अव्ययी भाव समास होगा। अगला प्रश्न है जहां विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो वहां कौन सा अलंकार होता है, जल्दी से लिखें कमेंट में, विरोध ना होते हुए भी, तो सभी लोग लिखें कमेंट में एक दो तीन, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर दो विरोधाभास, जहां विरोध ना होते हुए भी विरोध का आभास हो वहां विरोधाभास अलंकार होता है। नेक्स्ट श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है, श्रृंगार रस का स्थायी भाव कौन सा है जल्दी से लिखें, तो सभी रसों के स्थायी भाव होते हैं, और भरत मुनि ने आठ रस माने हैं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या माना है, तो रति माना है, विकल्प नंबर तीन, बहुत सारे लोगों ने सही उत्तर बताया है। नेक्स्ट निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण चुनिए, जल्दी से लिखें भाववाचक संज्ञा का उदाहरण आपको बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा क्या होगा विकल्प नंबर तीन, एकता भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत है, आपने संज्ञा पढ़ी होंगी, है ना, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, ये सारी की सारी संज्ञाएं आपको पढ़ना है। ऋजु का विलोम बताना है, जल्दी से बताएं, बहुत ही पूछा जाता है ऋजु का विलोम क्या हो जाएगा, कमेंट के माध्यम से आपको इसका सही उत्तर लिखना है, जल्दी से लिखें फटाक से, इसका सही उत्तर होगा क्या होगा इसका सही उत्तर, इसका सही उत्तर होगा वक्र, ऋजु का विलोम होता है वक्र। अगला हमारा प्रश्न है तपोवन में प्रयुक्त संधि कौन सी है, तपोवन में कौन सी संधि है, चार विकल्प में से लिखें आपका कौन सा विकल्प सही है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा जल्दी से कमेंट में लिखते जाएं, उत्तर हो जाएगा इसका विसर्ग संधि, क्या हो जाएगा विकल्प नंबर तीन, इसका सही हो जाएगा तपोवन में। अगला प्रश्न है इनमें से द्वंद्व समास का उदाहरण है, अब द्वंद्व समास का उदाहरण यहाँ पर हमें बताना है कौन सा है, चार विकल्प में से एक विकल्प का चयन आपको करना है, जल्दी से कर लिया आपने तो कमेंट में लिख दें कौन सा उत्तर आपके लिए सही है, बाद में आप नंबर भी बताएंगे कितने सही हैं कितने गलत हैं, इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर चार, रुपया पैसा में द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है, जहां पर द्वंद्व की स्थिति होती है वहां द्वंद्व समास होता है। अगला प्रश्न है कौन सा वाक्य पूर्ण भूतकाल है, अब आपको पूर्ण भूतकाल बताना है कौन सा वाक्य है, चार विकल्प मौजूद है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अब हिंदी में पैटर्न थोड़ा सा चेंज हुआ है हिंदी में प्रश्न पूछने का, तो इस प्रकार से क्वेश्चन आ रहे हैं, जल्दी से बताएं, उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर दो, वह काम कर चुकी थी, ये पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आएगा, जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, धर्माधर्म में कौन सा समास है, तो आपने पढ़ा होगा
कि जब एक ही शब्द को आवृत्ति हो जाती है वहां पर कौन सा समास होता है, तो द्वंद्व समास होता है, लेकिन वैकल्पिक द्वंद्व होगा इसमें, धर्माधर्म में वैकल्पिक द्वंद्व। इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विकल्प नंबर दो, मतलब अंदर से द्वंद्व है उसके अंदर भी द्वंद्व के प्रकार में से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो वैकल्पिक द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, संज्ञा अथवा सर्वनाम के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है, थोड़ा सा क्वेश्चन जरूर कठिन है लेकिन चार विकल्प भी आपके सामने मौजूद हैं, जल्दी से लिखें कमेंट में। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों विकल्प नंबर दो, नाम बोधक क्रिया जो है कहा जाता है। अगला हमारा प्रश्न रहा, खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? जल्दी से बताओ खड़ी बोली का मूल नाम। चार विकल्प में से सभी लोगों ने अपना अपना कमेंट लिख दिया है, तो उत्तर सही हो जाएगा। खड़ी बोली का मूल नाम है दोस्तों विकल्प नंबर एक, कौरवी खड़ी बोली का मूल नाम है। अगला हमारा जो प्रश्न है, सबको अपना काम समय पर पूरा करना चाहिए, वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है? तो आपने पढ़े होंगे ये सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र भाग, इच्छा बोधक, आगार्थक, बदांग, इस प्रकार से अलग अलग जो वाक्य हैं अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, इस सारे के सारे आपने पढ़े होंगे। तो इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? इच्छा बोधक, कौन सा है? इच्छा बोधक है, तो विकल्प नंबर चार इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, चिरंतन का विलोम शब्द क्या है? चिरंतन का विलोम शब्द आपको बताना है, ये कई बार पूछा भी गया है, क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा जल्दी से कमेंट में लिखें, उत्तर हो जाएगा नस्वर, मतलब विकल्प नंबर जो तीन होगा वो सही उत्तर इसका हो जाएगा। ठीक है, अगला हमारा जो प्रश्न है दोस्तों वो क्या है? प्रफुल्ल का विलोम हमें बताना है, यहाँ पर प्रफुल्ल शब्द का विलोम क्या है? तो चार विकल्प भी आपके सामने मौजूद है, जल्दी से कमेंट में लिख दें प्रफुल्ल शब्द का विलोम क्या हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा इसका सही उत्तर? सभी ने लिख दिया कमेंट में, तो प्रफुल्ल का विकल्प नंबर चार जो है वो सही होगा, विषाद। साथ ही दोस्तों अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं है ना, तो यहाँ पर एक वर्चस्व नाम से एक मैगजीन भी आपको मिलेगी, जिसके माध्यम से आप समसामयिकी को कवर कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे दोस्तों कि यहाँ पर कौन कौन से कोर्स अभी वर्तमान में चल रहे हैं। तो यहाँ पर MPSI का बैच कोर्स चल रहा है 2 अक्टूबर से, है ना, MPSI बैच कोर्स, और MPPSC का भी चल रहा है मेंस। ठीक है, तो ये फाउंडेशन बैच, ये सारे बैच यहाँ पर चल रहे हैं दोस्तों। MP पुलिस ये बैच यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं, तो आप भी इन बैच में शामिल होकर आप भी दोस्तों इन वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को सुदृढ़ बना सकते हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं एडमिशन फीस की, है ना, प्लस सब्सक्रिप्शन की। तो दोस्तों यहाँ पर देखें हम कि कैसे आपको एडमिशन फीस जमा करनी है, कैसे प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है, कितने का आपको पड़ेगा, वो सारी चीजें यहाँ पर दी हैं कि अगर आप 1 महीने का प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं दोस्तों तो आपको ये फीस 1600 चुकानी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पर एक कोड दिया है, ये रेफरल कोड है सुमित जैन। अगर सुमित जैन रेफरल कोड आप यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा, और आपको यही जो कोर्स है ये 1440 रुपए की सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेगा। ठीक है, आप तीन मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये 4000 में आपका पड़ेगा, लेकिन आप कोड के बाद ये 3 मंथ का आपको कितने में पड़ेगा? मात्र 3600 रुपए में। ठीक है, तो ये 10% डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। और दोस्तों 6 मंथ में आपको 7200 रुपए का है, और 10% में आपको लेस होकर के 6480 रुपए का हो जाएगा। आपको कोड यूज करना है सुमित जैन और आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, और 12 मंथ की बात करें तो ये 8800 रुपए का रखा गया है, लेकिन 10% डिस्काउंट में आपको 7920 रुपए का ये 12 महीने तक आप इसमें पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है, 24 मंथ के लिए आपको दोस्तों 12800 का कोर्स है, और 10% डिस्काउंट के बाद 11520 है, यानी कि आपको सुमित जैन ये रेफरल कोड आप यूज करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। और साथ ही नीचे लिंक दी है दोस्तों डिस्क्रिप्शन में, तो वहां से आप अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करें और बहुत सारे फायदे पाएं। निःशुल्क क्लासें भी यहां पर उपलब्ध हैं, साथ ही आप प्लस सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, डाउट भी आपके क्लियर किए जाते हैं, एनालिसिस किए जाते हैं। तो अभी आप डाउनलोड करें दोस्तों अनअकैडमी ऐप। ठीक है, और विषाद प्रफुल्ल का विलोम होगा विषाद। अगला क्वेश्चन है कि पहला पद किस समास में प्रधान होता है? जल्दी से, पहला पद किस समास में प्रधान होता है? चार विकल्प में से एक विकल्प का चयन आपने कर लिया, इसका सही उत्तर आपको बताना है, कौन सा हो जाएगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों
विकल्प नंबर एक अव्यय भाव समास, पहला पद किस समास में प्रधान होता है, तो अव्यय भाव समास में प्रधान होता है पहला पद। ये सारे के सारे पद आपको पढ़ना है, कौन से समास में कौन सा होता है, कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है, जल्दी से बताएं कौन सा युक्त नहीं उपसर्ग युक्त। चार विकल्प में से एक का चयन आपको करना है, कर लिया होगा आपने चयन, तो विकल्प में जल्दी से लिख दें, कमेंट में जल्दी से लिख दें। उत्तर होगा विकल्प नंबर तीन रसोई घर, कौन सा शब्द उपसर्ग युक्त नहीं है, तो रसोई घर नहीं है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है कि विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है, तो बहुत सारे लोगों ने जल्दी से कमेंट में लिखे, बहुत सारे लोग कमेंट में लिखते जाएं, विज्ञान शब्द में कौन सा प्रयुक्त है उपसर्ग, उपसर्ग बताना है यहाँ पर, तो विकल्प नंबर एक सही हो जाएगा वी, विज्ञान शब्द में प्रयुक्त जो उपसर्ग है वो है वी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा दोस्तों, सभा में बीसियों लोग थे में विशेषण है, जल्दी से बताएं कौन सा विशेषण है, सभा में बीसियों लोग थे विशेषण है, तो विशेषण आपने पढ़े होंगे, विशेषण पूछे भी जा रहे हैं, इस प्रकार से पैटर्न जो अभी आया है नए तरीके से हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसमें इस प्रकार से भी क्वेश्चन, इसमें कौन सा विशेषण होगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर चार अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, इसका अनिश्चित संख्यावाचक, सभा में बीसियों लोग थे, इसका कोई निश्चित नहीं है बीसियों। गौशाला में कौन सा समास है, जल्दी से आपको कमेंट में लिखना है, चार विकल्प भी आपके सामने मौजूद हैं, इसका सही उत्तर हमें देखना है, तो कमेंट में जल्दी से लिख दिया आपने। उत्तर होगा विकल्प नंबर तीन तत्पुरुष समास, गौशाला में समास है तत्पुरुष। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, आलोक का विलोम क्या होगा, है ना, यहाँ पर अलोक नहीं है, यहाँ पर आलोक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर आलोक, आलोक का विलोम बताना है हमें, जल्दी जल्दी से कमेंट में लिखते जाएं, आलोक का विलोम क्या होगा, आलोक का विलोम, उत्तर इसका सही हो जाएगा विकल्प नंबर तीन अंधकार, आलोक का विलोम होगा अंधकार। ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है शांत रस का स्थायी भाव आपको बताना है, रस सभी ने पढ़े हैं, शांत रस का स्थायी भाव बताना है, रस संप्रदाय सबसे प्राचीन संप्रदाय है, तो इसका सही उत्तर सभी लोग बता रहे हैं कमेंट के माध्यम से, निर्वेद, शांत रस का स्थायी भाव क्या है, निर्वेद विकल्प नंबर चार इसका सही होगा। अगला हमारा प्रश्न है दोस्तों, समुद्र मंथन करना का जो है सही अर्थ क्या है, समुद्र मंथन करने का सही अर्थ क्या है, जल्दी से कमेंट में आपको लिखना है, उत्तर बताएं फटाफट, इसका सही उत्तर हो जाएगा समुद्र मंथन करने का अर्थ है कठोर परिश्रम करना, क्या है, कठोर परिश्रम करना। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न होगा वो है दोस्तों, निम्न में से किस वाक्य में निज, अब आपको यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम बताना है, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहाँ हुआ है, चार विकल्प में से जल्दी से एक आपको कमेंट में लिखना है, निजवाचक सर्वनाम का जो प्रयोग हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, जल्दी से लिखें। उत्तर इसका सही हो जाएगा आप भला तो जग भला, विकल्प नंबर चार इसका सही होगा। ठीक है, आप भला तो जग भला, ये निजवाचक सर्वनाम होगा। मातृत्व तो शब्द है, मातृत्व तो कैसा शब्द है, मात्र तो शब्द में आपको संज्ञा बताना है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक है, भाववाचक है या द्रव्यवाचक है, तो सभी ने उत्तर लिख लिया कमेंट में, जल्दी से लिखें फटाफट, चार विकल्प में से एक विकल्प का सही हो जाएगा विकल्प नंबर तीन, भाववाचक संज्ञा हो जाएगी इसमें, काय में मातृत्व में भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है, जिसे बुढ़ापा ना आए के लिए एक शब्द क्या होगा, जल्दी से लिखें कमेंट में, जिसे बुढ़ापा ना आए कि एक शब्द होगा क्या होगा, विकल्प नंबर चार अजर, एक शब्द होगा अजर, जिसे बुढ़ापा ना आए उसे हम कहेंगे अजर। ठीक है, अगला जो हमारा प्रश्न है, मैंने तीन कुर्सी खरीदी में अशुद्धि है, अब आपको बताना है कि इस वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, वचन संबंधी है, लिंग संबंधी, संज्ञा, सर्वनाम, विकल्प नंबर आप लिखें जल्दी कमेंट में। उत्तर होगा विकल्प नंबर एक वचन संबंधी, मैंने तीन कुर्सियां खरीदी, इस प्रकार से यहां पर वचन संबंधी जो है गलती हो जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है, तत्सम तद्भव शब्द आपने पढ़े होंगे, जल्दी से कमेंट में लिखते जाए फटाफट, तो तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर चार हो जाएगा हीरक, हीरक सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वह क्या हो जाएगा, इनमें से कौन सा पत्र कार्यालय, है ना, कार्यालय पत्र में शामिल है, जल्दी से कमेंट में आपको बताना है कौन सा पत्र है जो कार्यालय पत्र में शामिल है, तो आप कमेंट में लिखें फटाफट, कार्यालय पत्र में कौन सा है, चार विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, इसका सही जो उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा,
आपने कमेंट में लिख लिया तो उत्तर हो जाएगा निमंत्रण पत्र, ये जो है शामिल नहीं है कार्यालयी पत्रों में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न होगा, कार्यालयी पत्र में इनमें से क्या नहीं होना चाहिए। चार विकल्प हैं, चार में से क्या नहीं होनी चाहिए, तो आपने उत्तर लिख दिया विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा। तो आडंबर पूर्णता नहीं होनी चाहिए, है ना, कार्यालयी पत्र में आडंबर पूर्णता नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, किस शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़े हैं, तो कौन से शब्द में जुड़े हैं उपसर्ग और प्रत्यय, तो आपने देखे उपसर्ग और प्रत्यय पढ़े भी होंगे किस शब्द में जुड़े हैं, तो विकल्प नंबर 4 अकथनीय, अकथनीय में जुड़े हैं। ठीक है, उपसर्ग भी है और प्रत्यय भी है, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बहुत सारे रहते हैं। तो अगला प्रश्न है, जय शब्द का विलोम बनाने के लिए उपयुक्त उपसर्ग चुनिए, जय को आपको विलोम बनाना है तो कौन सा उपसर्ग उपयुक्त होगा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। विकल्प नंबर 3 इसका सही हो जाएगा परा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न होगा वो है पराधीन का संधि विच्छेद क्या होगा, जल्दी से लिखें, पराधीन का संधि विच्छेद लिखना है, चार विकल्प में से एक का आपको चयन करना है, आपको पास थोड़ा सा टाइम है संधि विच्छेद के लिए, कौन सा सही हो जाएगा, जल्दी से लिखें फटाफट 1 2 3 4 में से। इसका सही उत्तर होगा विकल्प नंबर 2 परधन अधीन, सही हो जाएगा इसका। ठीक है, परधन अधीन बराबर क्या हो जाएगा, पराधीन। संधि विच्छेद का मैंने वीडियो बनाया है एक अलग से, वो भी आप देखें। गत माह हम ताजमहल देखने जाएंगे, इस शब्द में कौन सी जो है अशुद्धि है, लिंग संबंधी है, वचन संबंधी, काल संबंधी, आपको बताना है किस प्रकार की अशुद्धि है। गत माह हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो इस प्रकार से पूरे नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न है, इस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो एक काल संबंधी अशुद्धि हो जाएगी। ठीक है, गत माह हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो एक काल संबंधी अशुद्धि है इस वाक्य में। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा प्रश्न है वो क्या है, वो कुछ भी नहीं है, यहाँ पर प्रश्न जो है खत्म हो गए हैं। और अगला टेस्ट रोज 9:30 बजे, सुबह 9:30 बजे होता है, तो रोज देखें आप, रोज टेस्ट लगाएं, लगभग 10-12 मिनट का ये वीडियो होता है रोज का, आप देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे, और बेल आइकन को दबा दें। ठीक है, घंटी आपके मोबाइल में बजेगी तो बेल आइकन को जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर बने रहना है। रोज 9:30 बजे हिंदी का टेस्ट मैं करवाता हूँ सभी लोगों के लिए। आज का टेस्ट यहाँ पर खत्म होता है। एक सबसे बड़ी बात है कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, सर्च करना है टेलीग्राम ऐप में IAS स्टडी ट्रैक, ठीक है, और वहां पर आप ज्वाइन हो जाएंगे। फेसबुक पेज में भी आपको IAS स्टडी ट्रैक जो है सर्च करना है, तो फेसबुक पेज भी मिल जाएगा। और आज के लिए बस इतना ही, जय हिंद। Unacademy. Let's crack it.